फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे गिलोय का काढ़ा। गिलोय एक आयुर्वेदिक औषधि है। गिलोय के कई फायदे हैं, खासकर ये बुखार के मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। गिलोय कई प्रकार के वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी हमें बचाता है। कुछ लोग स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से गिलोय का जूस पीते हैं। इन दिनों कोरोना वायरस से बचने और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी गिलोय का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो चलिए बताते हैं आपको कि घर पे गिलोय का काढ़ा कैसे बनाते हैं। काढ़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 2 इंच अदरक, कुछ तुलसी के पत्ते। आप कोई सी भी तुलसी ले सकते हैं, राम श्याम, मेरे पास यहाँ पे श्याम तुलसी है, और 7-8 दाने हमने यहाँ पे लौंग लिए हैं, 7-8 दाने ही हमने यहाँ पे काली मिर्च ली है। हमने यहाँ पे 1.5 इंच के गिलोय के टुकड़े ले लिए हैं 7-8, और इनको ऐसे बीच से काट लेंगे। हम यहाँ पे लौंग और काली मिर्च को अच्छी तरीके से कूट लेंगे। अब एक बर्तन लेंगे हम और उसमें 2 बड़े गिलास पानी डालेंगे। पानी में हम ये गिलोय लेंगे और गिलोय के साथ साथ अदरक, तुलसी के पत्ते और काली मिर्च और लौंग डाल के इसे अच्छी तरीके से उबलने देंगे। अब हम इसे मीडियम आंच पर, जब तक ये खौल ना जाए और पानी इसका आधा ना हो जाए, तब तक इसे हमने उबलने देना है। देखिए जरा इसका पानी उबलने लग गया है। अब हमें इसे 15 मिनट तक ऐसे ही पकने देना है और इसका पानी आधा हो जाएगा, अब हम इसे बंद कर देंगे। काढ़े को पकते पकते 10 मिनट से ज़्यादा हो गया, और देखिए इसका पानी यहाँ आधा हो चुका है और काढ़ा हमारा तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पे इसकी फ्लेम बंद कर देंगे और अपने काढ़े को ठंडा होने देंगे। काढ़े को हमने गर्म नहीं पीना है, इसे थोड़ा गुनगुना पीना है। अब इसे हम थोड़ा गुनगुना होने देंगे और फिर इसे हम छानेंगे बाद में। काढ़ा हमारा गुनगुना हो गया, अब इसे हम छान लेंगे। आजकल गर्मियां हैं, इसलिए अभी गिलोय का काढ़ा 1 कप से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, 1 कप या आधा कप लें, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू।